दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत होती है शाम से, तो चलिए हम दिखाते हैं शाम के समय हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बाहर चलते हैं, अंधेरा भी थोड़ा बहुत हो गया है और इस टाइम जो है 5:30 बज रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं गांव में जो है 5 बजे के आसपास ही सारे लोग भोजन वोजन बनाने की तैयारी करते हैं, तो वही हम भी जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, मेरे दोनों तोते जाल में बैठे हुए हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये सब कैसे लगते हैं आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताएगा, हमें तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जब कोई इन सब के पास में आता है तो ये सब जो है दूर ही भागते हैं, अपना चेहरा भी इधर उधर फेर लेते हैं ज़्यादातर। तो बड़ा वाला, छोटा वाला तो जो है पास में ही रहता है, जैसे मैं आप लोग देख सकते हैं हम लोग की आवाज़ जो है सुन रहा है। वो सोच रहा है कि कुछ जो है खाने के लिए लेकर आए हैं, तो इन सबको जो है अमरूद अमरूद डाले थे तो सब खा चुके हैं। थोड़ा बहुत अभी इन सब के कटोरी में है, दिख नहीं रहा है सही से कि कटोरी जो है थोड़ी सी गहरी है। और चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं कि हम जो है क्या करने जा रहे हैं। तो भोजन बनाने की तैयारी करने जा रहे हैं और सारे लोग गए हुए खेत, क्योंकि धान में जो है घास बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं आप लोग जान रहे हैं। तो 3-4 क्यारियाँ निकल चुकी है, 1-2 क्यारियाँ और बची हुई हैं। तो मम्मी कह रही थी 1-2 दिन और लगेगा, उसके बाद जो है साफ़ हो जाएगा, तब जो है इसमें खाद और डाला जाएगा जिसमें जो है धान की वृद्धि जल्दी से हो, वरना जो है खाद और नहीं पड़ेगा तो सूख उख भी सकता है और बड़ा भी नहीं होगा। तो इसलिए जो है पहले घास को निकालना है। तो वही दीदी मम्मी अमृता गई हुई हैं और प्रीति जो है दूध लेकर गई है, क्योंकि दूध भी जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2-4 पैसे उससे भी आते हैं। तो इसलिए वह चली गई है और जहाँ पे गई है तो आधे घंटे लग जाते हैं आने जाने में। तो वह बोल रही थी उधर से ही हम जो है खेत चले जाएंगे और घर पे तुम रहना तो भोजन वोजन बना लेना। तो वही मैं जा रही हूँ भोजन बनाने की तैयारी करने में। तो चलिए दिखाते हैं मैं आप लोग को अभी क्या तैयारी की हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चूल्हे पर मैं जो है यानी गैस चूल्हे पर एक तरफ चावल रख दी हूँ और दूसरी तरफ जो है हमारा चाय बन रहा है भगोने में। और दोस्तों, आप लोगों को बताऊँ मैं इतना सुबह सुबह क्यों भोजन बना रही हूँ, क्योंकि आज जो है भोजन एकत्र हो गया। शाम के समय हम लोग कभी काल रहता है तो कर भी लेते हैं यानी खाओ लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं मुझे जो है कॉलेज से आने में 4:30-5 बज जाते हैं। तो आज आई भोजन ही नहीं था, तो इसलिए मम्मी कह रही थी चलो घर पे रुक जाओ आज मत जाना के, और भोजन बनाने की तैयारी कर लेना। तो इसलिए मैं सबसे पहले चावल रखी हूँ। चावल तो जो है अचार उचार के साथ भी खा लेते हैं या चटनी पीस कर भी, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, तो डेली बनता है आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को पता है आज जो है घर पे आलू भी नहीं है, तो मम्मी से पूछी मैं क्या बनेगा, तो मम्मी कह रही थी कि हम जो है दोपहर के टाइम गए थे कहीं, तो वहाँ से जो है मम्मी 3 से 4 पपीते लेकर आई हैं, तो बोल रही हूँ उसी की सब्ज़ी बना दो। और पहले भी हम लोग जो है पपीते की सब्ज़ी खा चुके हैं और अब भी मतलब खाते हैं कभी कल, मम्मी जिस दिन लेकर आ जाती हैं। तो आज नहीं घर पे कुछ था तो वही कह रही थी बना दो, क्या करे रहता है, पैसे रहते तो दे देती मम्मी, लेकिन नहीं था मम्मी के पास भी। पापा उधर 2-3 दिन घर पे ही रुक गए थे, काम भी नहीं हो रहा था, बीच में बारिश भी हो गया था और कुछ लोग आ भी नहीं रहे थे। पापा जो है डेली जाते थे वापस आ जाते थे और फिर 2-3 दिन से जा रहे हैं काम पर, और जितना भी पैसे ऐसे पाते हैं तो घर के खर्च में उठ जाते हैं। और प्रीति अमृता पढ़ रही हैं आप लोग जान रहे हैं, तो उन सब का बोर्ड उर्ड का फीस था तो वही पापा दे दिए हैं। और कल भी पैसे पाए थे तो पापा वही जो अमृता मांग रही थी कि हमें जो है कोचिंग फी चाहिए, 2 महीने हो गया सर बोल रहे हैं, तो पापा कह रहे थे ठीक है तब तुम भी ले लो। ऐसे ही दोस्तों पापा का सारा पैसा जो है ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा पैसे हम बच उच नहीं पाते। और कभी काल जो है उधर से ही पापा जब भी पैसे वैसे पाते हैं तो सब्जी वब्जी लेकर आ जाते हैं, और नहीं लेकर आ पाते हैं तो हम लोग को बोलते हैं लेकर आने के लिए, लेकिन हमें पता है कि पापा को जो है आज तो पैसे मिलेंगे नहीं, अब 2-3 दिन बाद ही मिलेंगे। और भैया भी इस समय जो है घर पर ही रह रहे हैं, उनको भी काम नहीं मिल रहा है। लेकिन मम्मी से पूछी आज, तो मम्मी कह रही थी आज सुबह के टाइम गए थे तो एक दिन में तो पैसे मिलते नहीं हैं दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं 2 से 3 दिन हो जाता है काम किए हुए तभी जो है पैसे मिलते हैं। तो आज तो एडजस्ट करना पड़ेगा वही पपीते की सब्ज़ी। तो चलिए दिखाते हैं हम जो है धोकर रख दिए हैं। दोस्तों, आप लोग पपीते की सब्ज़ी खाते हैं या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो है धूल उल कर ला दी हूँ, और यहाँ पे थाली भी है और ये बाँसुल यानी हसिया है, इसी से मैं कट करूँगी, इसी से हम लोग जो हमेशा कट करते हैं। तो आज इसी की सब्ज़ी बनेगी, वो भी कच्चे मसाले में यानी जो है धनिया और सरसों लहसुन
और मिर्चा सारा चीज़ जो है सिलवट्टे पे पीसा जाएगा। ये सब पड़ता है इस वाली सब्जी में, यानी पपीते की, तभी जो है सब्जी टेस्टी बनती है, वरना उतना टेस्टी नहीं लगेगा जब पैकेट का मसाला पड़ेगा। कुछ भी मतलब सामग्री लेकर आते हैं सब्जी वब्जी बनाने के लिए कभी कार, तो हम लोग जो है कच्चे मसाले का यूज करते हैं ज़्यादातर। जैसे मैं आज आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं जो है इसे कट करने जा रही हूँ और उसके बाद जो है चाय हो जाएगा हमारा और ये चावल भी हो जाएगा, तो मैं कुछ खाने का इंतजाम करूँगी और फिर जो है चूल्हे पे आग जलाएंगे, सब्जी रोटी जो है चूल्हे पर बनाएंगे, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि गैस जो है हमारा बहुत ही मुश्किल से जला है, इतनी जल्दी तो भराएगा नहीं। पापा को ही सब कुछ देखना पड़ता है और भैया भी जो है कभी काल काम करते हैं तो पैसे मतलब पाते होते हैं तो दे देते हैं, लेकिन ज़्यादा काम नहीं मिलता है उनको भी, तो इसलिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है। और सारी समस्या का तो समाधान भगवान कर ही देते हैं। जैसे मैं आज कुछ नहीं था तो मम्मी जो है एक इंतजाम कर ली थी, मम्मी को पता था कि आज जो है कुछ नहीं है तो कैसे बनेगा भोजन, तो इसलिए मम्मी हम लोग को मतलब बिना बताए हुए ही लेकर आ गई हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बातें बहुत ही हो गई है और यहाँ पे देखिए हमारा उबाल भी आ गया है चाय में, तो जल्दी चीनी चपाती ऐड करते हैं और यहाँ पे हमारा ये सीटी भी बन रहा है, अब जल्दी ही मतलब बन जाएगी चावल भी। और दोस्तों आप लोग को बताएं, जब भी सीटी मारने वाली है मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, क्योंकि एक बार मेरे साथ जो है हादसा हो गया है, जब मैं चूल्हे पे जो है भोजन बना रही थी उसी समय जो हमारा कुकर जो है उसी पे रखा हुआ था, और उसमें भैया की शादी भी मतलब पड़ी हुई थी, 10 दिन बचा हुआ था, तभी जो हमारा कुकर भी फट गया और उस हादसे में मैं जो है जल उल भी गई थी, लेकिन भगवान का शुक्र था कि ज़्यादा नहीं जली, बच गई। और हम लोग एक लापरवाही किए थे कि दोस्तों आप लोग को पता है हम लोग क्या लापरवाही किए थे, हम जो है ये रबड़ हमारा तन गया था और पापा मना कर रहे थे कि जो है मत बनाओ कभी मतलब हादसा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो है जल्दी भोजन बनाने के लिए जो है उसी पे भोजन मतलब उसी कुकर में ही भोजन बना लेते थे, दाल चावल उगल, तो वैसे ही मैं दाल रखी थी और उसी दिन जो है 10 दिन बचा हुआ था भैया के साथ एक, तभी जो है ये कुकर का रबड़ जो है निकल गया और जो है चूल्हे पे, भगवान का शुक्र था कि उस समय जो है चूल्हे पे खाना बन रहा था तो बस चूल्हा फूटा था और कुकर जो है पूरा फट गया और ये दाल जो था मेरे ऊपर पूरा आ गया। और हमारे बगल की एक लोग जो है नर्स भी हैं और एक लोग डॉक्टर हैं, तो उन्हीं लोग के दुआ से उन लोग को पता था कि मतलब क्या इलाज करना चाहिए, तो वह लोग जो है सिल्ली होता है तो वही मुझे सेकैया किया और भैया से बोली कि ये मुलाम लेकर आ जाइए, दवा लेकर आ जाइए जिससे ये छाले उले नहीं पड़ेंगे, तो तुरंत जो है हमारा इलाज हो गया जिससे मैं बच गई, वरना कितने छाले उले पड़ते और क्या हमारे घर होता आप लोग सोच ही सकते हैं, अंदाज़ा लगा दीजिए, सारे लोग हमारे घर के डर उड़ गए थे कि अब क्या होगा, और बीच में इसका मतलब ये और शादी में भी 10 दिन बचा हुआ है भैया के, लेकिन भगवान का आशीर्वाद बना रहा है दोस्तों, मैं जो है सही सलामत थी आप लोग के सामने ही। तो दोस्तों आप लोग ऐसी कोई मतलब लापरवाही मत कीजिएगा जैसे मैंने किया था, इसलिए मैं आप लोग को जब भी मैं कुकर पे खाना बनाती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, धड़कने लगता है, बढ़ जाता है, और जब सीटी मारने वाली रहती है मैं ज़बरदस्ती मरवा देती हूँ, मम्मी मना करती है कि मत मराया करो अपने से मारेगा, लेकिन जो है मुझे डर लगता है। तो दोस्तों आप लोग के घर भी मतलब ऐसे रबड़ वबड़ तन गया होगा या सीटी मतलब उसकी ख़राब हो गई होगी तो ज़रूर चेंज कराइएगा, मैं नहीं चाहती हूँ कि जो हादसा मेरे साथ हुआ वह मेरे यूट्यूब फैमिली के साथ हो, कभी भी भगवान न करे, आप सभी पर जो है भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे, यही मैं भगवान से दुआ करूँगी और कुछ नहीं। तो चलते हैं सब्जी को कट करते हैं वरना जो है ज़्यादा समय हो जाएगा और मम्मी उम्मी कैसे आ जाएंगी तो बोलेंगी अभी तो तुम्हारा कुछ नहीं हुआ है, बातें तो बहुत हो गई है। और उधर मैं चीनी चापत्ती भी चाय में ऐड कर दी और सीटी हमारे मारने वाली है, अभी से जो है डर लगना शुरू हो गया है मुझे। तो दोस्तों आप लोग का घर भी बिगड़ा होगा तो तुरंत बनवा लीजिए, उसके बाद ही इस्तेमाल कीजिए, जल्दी के चक्कर में जो है कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाता है, यानी डर सा यानी दुर्घटना हो जाता है, तो आप लोग ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। जब भी मैं कुकर में खाना बनाती तभी जो है मुझे वह हादसा याद आ जाता है। तो दोस्तों अब मैं जो है सब्जी को कट कर रही हूँ और उसके बाद जा रही हूँ आटा गूंथने के लिए, आप लोग देख सकते हैं घर पे कोई नहीं है तो इसलिए कोई रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा, मैं खुद से ही पास में रखी हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आप लोग को दिखा देते हैं। अभी जो है प्रीति भी नहीं आई है, वो अभी उधर से ही खेत चली गई है। और आप लोग जानते हैं जब भी मैं भोजन बनाती हूँ तो सारी तैयारी जो है एक ही साथ करती हूँ, उसके बाद जो है चूल्हे में आग जलाती हूँ, तो सब्जी मैं कट कर रही हूँ और मैंने सोचा चल रही कि आटे गूंथ लेती हूँ, फिर जो है मैं आप लोग को दिखाऊंगी
लास्ट में एक ही साथ। और मेरे पास तो कोई स्टैंड भी नहीं है कि मैं मतलब आप लोग को अच्छे से दिखा सकती हूँ, तो मैं नीचे ही हमारी मतलब एक पीड़ा है छोटा सा, तो उसी भी मैं रखी हूँ और वहीं पे जो है मतलब वहीं पे रख के रिकॉर्ड कर रही हूँ। और इधर आटा गूंथने लगी हूँ और एक तरफ बोल रही हूँ, तीनों काम मेरा जो एक ही साथ हो रहा है। ऐसे में सही रहता है, वरना जो कोई रिकॉर्ड करता है और मतलब ऐसे ही वॉइस ओवर करो मतलब ज़्यादा समय लग जाता है। और आप लोग जानते हैं इस समय जो है समय बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, जितना समय बचाओ उतना ही काम आते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए आज मैं जुगाड़ लगाती हूँ और ऐसे ही मतलब रिकॉर्ड भी कर लेते हैं और बोल भी लेते हैं सामने से, सही रहेगा और आप लोग से बातें भी हो जाएंगी। दोस्तों आप लोग कैसे खाना बनाते हैं? हम तो जब भी मतलब चूल्हे खाना बनाते हैं तब जो है सारा काम एक साथ कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारी सारी सामग्री रेडी हो चुकी है जो हमें भोजन में बनाना है। यहाँ पे देखिए आटा भी गूंथ चुकी है और सब्जी भी कट कर ली, और इधर चाय भी हमारा हो गया, चावल भी हो गया है। तो अभी खेत से कोई नहीं आया, जब सारे लोग इकट्ठा आ जाएंगे तब जो है चाय छानेंगे और सबको देंगे। और यहाँ पे देखिए दो दो बाल्टी लगी हुई है क्योंकि इस समय जो है डेली बारिश हो रही है थोड़ा बहुत, और जहाँ पे ज़्यादा पानी गिरता है तो वहाँ पे जो है बाल्टी लगाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे छत के रास्ते से ही मतलब सारा पानी किचन में आ जाता है। पॉलिथीन लगा है तो अब उतना नहीं रुकता है जितना पहले रुकता था क्योंकि वह पुराना हो गया है। लोगों ने देखा मैंने सारी तैयारी कर ली, और यहाँ पे देखे मैं यहीं पे जो है जुगाड़ लगाई थी यानी पीड़ा यही हमारा है, और यहीं पे मैंने फोन रखा था और साइड में जो है आटा गूंथा, और ये टिफिन जो है अभी वहीं पर है जिसमें मतलब पानी मैं ली थी आटा गूंथने के लिए, तो अभी मैं उसी साइड में लगाती हूँ। और उसके बाद जो है जाते हैं ऊपर यानी छत पे, कंडे वंडे लेकर आते हैं और लकड़ियाँ तो हमारी एक छोटी सी है वहीं पे, तो मम्मी कह रही थी वही जलाकर जो है बना लेना, और सब्जी रोटी ही बनाना है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो इसलिए हम चलते हैं। अब जल्दी से आग जलाते हैं और जो है फिर बनाते बनाते हैं। उससे पहले मुझे भूख लगी, मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ। तो चावल हमारा हो गया है, तो मैंने सोचा चलिए अभी जो है थोड़ी देर में आग जला लेंगे तब खाएंगे। और यहाँ पे जो है मैंने पपीता जो कट कर ली थी तो उसी में से चार पाँच ही मतलब बचा ली हूँ अपने लिए खाने के लिए, और साइड में नमक, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और मम्मी जब भी लेकर आती हो हम लोग ऐसे ही खाया से हम। नमक के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों आप लोग खाते हैं या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मुझे पता है आप लोग मीठा खाते होंगे यानी जो पक गया होगा, कच्चे तो बहुत कम ही लोग खाते हैं अक्सर करके गांव वाले जैसे हम लोग हैं। हमारे घर कहीं से भी आता है हम लोग जो है पहले ही खाने में लग जाते हैं भले ही कुछ मिले या ना। तो देखिए एक मैं खा चुकी हूँ, डोसा खा रही हूँ जिसे भूख भी थोड़ा सा मिट जाएगा, और फिर आग जला लेंगे उसके बाद चावल के साथ कुछ खा लेंगे। क्योंकि कॉलेज से आई हूँ तो भोजन खत्म हो गया था तो इसलिए थोड़ा सा भूख लगी हुई है। और चलते हैं दोस्तों, हम मिलते हैं बाद में और देखते हैं कि कब सारे लोग आते हैं, तो चलते हैं जल्दी जल्दी खाती हूँ। पहले दोस्तों आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग कमेंट करते हैं और हमारे परिवार के बारे में इतना सोचते हैं और हमारी फैमिली के बारे में भी। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाया करिए, और आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। और मैं उन सभी लोग को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं और जो लोग हमें डेली कमेंट करते हैं, थैंक यू दोस्तों मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोग को जितना भी धन्यवाद करने उतना कम ही है। सारी तैयारी कर ली, अब चलती हूँ आग जलाने के लिए। मैं उससे पहले जो है अभी मुझे सिलबट्टे पे थोड़े मसाले पीसने हैं, तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कच्चे मसाले क्या होते हैं जो हम लोग जो है अक्सर घर के सब्जियों में पीस कर डालते हैं। आप लोग सोचेंगे कि हमेशा मतलब बताते हैं लेकिन दिखाते नहीं। तो दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पर जो है लहसुन है, धनिया है, और ये सरसों है, और साथ में एक हरी मिर्च है। चलिए पीछे से दिखा देते हैं।
फिर सारे लोग खेत से आ गए थे तो यहाँ पे मैं लग जाती हूँ चाय छानने में। आप लोग देख सकते हैं 5-6 लोग हमारे घर रहे हैं तो उतना ही मतलब चाय भी बनता है और सारे लोग जो है एक साथ पी लेते हैं और अच्छा लगता है जब सारे लोग इकट्ठे बैठ कर पीते हैं, वरना अकेले अकेले कोई पीता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। मैं चाय दे देती और रोटियाँ भी हमारी बन गई और इधर देखिए सब्जी हमारी जो है भुना चुकी है। मैं इसमें मसाले वसाले ऐड कर दी हूँ, बस 10 से 15 मिनट और लगेंगे फिर हमारा सब्जी बनकर रेडी हो जाएगा। और उधर मैं दूध भी रख दी हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि ये केला खाली था तो मैंने सोचा चलिए एक ही साथ दोनों काम हो जाएगा, सही रहेगा। आप देख ही सकते हैं अब मैं चलती हूँ इसे ढक देती हूँ, और एक तरफ जो है उबाल मार रहा था दूध भी तो इसलिए ढक्कन हटा रही थी, उसे भी ढक दी। और इधर रोटियाँ भी हमारी बन चुकी है और इसे भी अब ढक देते हैं, 5 मिनट में बनकर सब्जी हमारी रेडी हो जाएगी और ज़्यादा समय नहीं लगा आज भोजन बनने में। और आग भी आप लोग देख ही सकते हैं जल रहा है, अच्छा लगता है जब आग जलती है और भोजन भी हमारा जो है जल्दी से बन जाता है। और दोस्तों हमारे चूल्हे के पास अंधेरा है तो प्लीज़ आप लोग अंधेरे को इग्नोर कीजिएगा और वीडियो में ऐसे ही लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। कुछ समय बाद हमारा सारा भोजन बन गया, यानी जो मैं बना रही थी सब्जी चावल रोटी पपीते का, तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पर सबके लिए मैं प्लेट में निकाल भी चुकी हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं। और चूल्हे के पास अंधेरा है तो इसलिए मेरे पास यही एक छोटी सी लाइट है जिससे हम लोग जो है सारा काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 प्लेट में निकाली हूँ, अभी रोटियाँ नहीं रखी हूँ तो चलती हूँ सबको रोटियाँ रख लेती हूँ, उसके बाद जो है देने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैं लग जाती हूँ रोटियाँ रखने में एक एक थाली में, और फिर बारी बारी से सबको दूँगी। और इस टाइम तो जो है 9 बज गए हैं आज खाने बनाते बनाते। ये प्लेट मैं आप लोग के लिए लगाई हूँ तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और आज की सब्जी कैसी बनी है कमेंट करके ज़रूर बताएगा, देखने में तो अच्छी लग रही है, खाने में देखते हैं कैसा लगता है, जब सारे लोग खा लेंगे तभी बताएंगे। उसके बाद मैं चलती हूँ सबको देने के लिए, मम्मी पापा को दे चुके हैं वो लोग खा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए दीदी को भी दे रही हूँ, और अमृता जो है मम्मी के पास ही बैठ कर खा रही है, और प्रीति जो है अभी सोई है तो उसके लिए भी भोजन लेकर आई हूँ, टूट नहीं रही है, बोल रही थी कि अभी खाएंगे। और यहाँ पे देखिए मम्मी अमृता भी खा रही हैं। और दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।